अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं वेज हक्का नूडल्स। आधा कप तेल गरम हो गया है, अब इसमें डालें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन कुटा हुआ। अदरक लहसुन को लाल होने तक फ्राई कर लें। अदरक लहसुन लाल हो चुका है, अब इसमें डालें 2 मीडियम साइज कटी हुई प्याज, जिसके साथ मैंने काटी है 4 लाल मिर्चियाँ। आप हरी मिर्ची भी इसके बदले डाल सकते हो। आधा टीस्पून नमक डालकर प्याज को सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लें। देखिए यहाँ मैंने सब्जियाँ ली है, 50 ग्राम लिया है मशरूम, 50 ग्राम जुकीनी, 50 ग्राम ग्रेटेड गाजर, 50 ग्राम लॉन्ग स्ट्रिप्स में कटी हुई शिमला मिर्च और 4 बेबी कॉर्न 50 ग्राम गोल गोल पीसेस में काट दिया है। ये सारी सब्जियाँ इसमें ऐड करें। मिक्स करें, सब्जियों को भून लें। दो टेबलस्पून विनेगर डालें, 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस डालें, 2 टेबलस्पून ग्रीन चिली सॉस डालें, 2 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस डालें, 1 टेबलस्पून ऑयस्टर सॉस डालें, 1 टेबलस्पून अगर आपके पास ना हो तो स्किप कर सकते हो। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डालें, 1 टीस्पून मिक्स हर्ब्स डालें, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डालें, 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डालें। अच्छे से ये स्टीर फ्राई हो चुकी है, अब इसको हाई फ्लेम पे मैंने इसको स्टीर फ्राई कर दिया था। अब इसमें डालें 600 ग्राम बॉईल किए हुए हक्का नूडल्स, जिसको मैंने थोड़ा सा नमक डालकर बॉईल कर दिया था सिर्फ 5 मिनट के लिए, फिर पानी के नीचे नल के नीचे धो दिया और तेल 1 टेबलस्पून तेल डाल के टॉस कर दिया। अब इन नूडल्स को लो फ्लेम पे मिक्स करना है। 2 स्प्रिंग ऑनियन की हरी प्याज कटी हुई इसमें ऐड करें। अब सब कुछ लो फ्लेम पे मिक्स कर लें। देखिए बहुत अच्छे से ये मिक्स हो चुके हैं, फ्लेम ऑफ कर दें। वेज हक्का नूडल्स तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।